नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप 10 बुलेटिन में। आइए डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर नजर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए भत्ते में बदलाव, 17% से बढ़ाकर 28% किया गया। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब पशुपालन के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2026 तक जारी रहेगा, मोदी कैबिनेट का फैसला। तेजस्वी यादव का ऐलान, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के विरोध में 18-19 जुलाई को होगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए कल काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली, 24 घंटे में आए 77 नए मामले, एक मरीज की मौत, कोरोना संक्रमण दर 0.1%। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सरकार सुनिश्चित करे कि कोई निर्दोष न फंस जाए। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार ने विदेश व रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बनाकर देश को कमजोर कर दिया। लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मिन्हास को असलहा देने वाले शकील हिरासत में लिए गए। सिद्धू के सवाल पर बोले केजरीवाल, खुशी होती है जब विपक्षी नेता भी करें हमारे काम की तारीफ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। धन्यवाद।